मेरे भारत को आज जरूरत है शस्त्रों की। शस्त्रों की आवश्यकता तो पहले से थी, आज है और कल भी रहेगी। सभी मित्रों, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की, इस्लाम केवल 1400 वर्ष पुराना मजहब है। वो ना सभ्यता है, ना संस्कृति है, ना धर्म है। हम उसको एक कबीला मानते हैं। लेकिन जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान रखी, उन्होंने एक संदेश दिया था कि जो कुरान को मानेगा उसके लिए हमारा दिल समर्पित है, हम उसकी रक्षा करेंगे, और जो कुरान का अनादर करेगा, अपमान करेगा, हम उसके लिए उसका सर काट देंगे। आज आप सब जानते हैं पूरे विश्व में आतंक फैलाने वाला एक ही मजहब है, और वो है इस्लाम। और इस्लाम के नीचे सारे के सारे इसीलिए आ गए क्योंकि आप लोगों ने शास्त्र की परिभाषा को समझा नहीं, शास्त्र की परिभाषा को समझा नहीं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में प्रमाण आया हुआ है कि जब जब देश और धर्म पर संकट आता है, हमारी संस्कृति सभ्यता पर आघात होता है, तो हमें शास्त्र बचाते हैं केवल शब्दों से, लेकिन हमारी रक्षा, हमारी माँ भारती की रक्षा, हमारे परिवार की रक्षा, देश की रक्षा करने के लिए शस्त्रों की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्षत्रिय धर्म का अर्थ यही है, होता है कि वह जीव अपना और स्वयं का और अपने राष्ट्र का परिपालन करे। मैं एक क्षत्रिय वीर हूँ, मैं एक क्षत्रिय वर्ण का जैन सन्यासी हूँ। बहुत अचंभा और आश्चर्य होगा आप सारों को कि एक सन्यासी के हाथ में एक पीछी है जो संयम का उपकरण है। संयम अर्थात हम जीवों की भी विराधना हमारे हाथ से नहीं करते, और वह व्यक्ति हाथ में शस्त्र क्यों रखता है? तो आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, जब मेरे धर्म पर संकट आया तो हमारे सभी धर्म बंधु कोने में दुबक कर इसीलिए बैठ गए क्योंकि उन्हें हृदय में यह बात थी, ये भय था, यदि वह बोलते हैं तो उनके परिवार पर या उनकी जैविक हानि हो जाएगी। जो अपने जीव की, अपनी परिवार की चिंता करता है पर राष्ट्र के साथ कभी भी ईमानदार नहीं रहता। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा हृदय की गहराई से, कि मुझे गलत न समझिए, मैं केवल आपको शिक्षा देना चाहता हूँ कि धर्म को अगर बचाना है तो शस्त्र आपके हाथ में आवश्यक है। कोई आतंकवादी आपके सामने आकर के शस्त्र लेकर के आया, AK-47 ले आया, तलवार लेकर के आया, और आपको वो मारने की इच्छा से भी आपके सामने आता है, तो आप क्या कहोगे? उसे शास्त्र पढ़ाओगे कि राम ऐसे हुए थे, महावीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया? नहीं। यदि आप उसे अहिंसा की बात बताते हैं तो वो सबसे पहले आपके भेजे में गोली मारेगा। जब होटल ताज में जब अटैक हुआ, उस समय एक जो कसाब जिसे जिंदा पकड़ लिया गया, उसने 2 साल के मासूम के भेजे में गोली मार दी थी। उनके सामने कोई धर्म नहीं, उनके सामने कोई मासूम नहीं, बालक नहीं, महिला नहीं, स्त्री नहीं, धर्म नहीं, साधु नहीं, यति नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए शस्त्र काफी है। जानवर को मारने के लिए जानवर ही बनना पड़ता है। जिन्हें मेरी बातें उससे परहेज है, वे अपने घर में जाकर के दुबक करके बैठे। जब तुम्हारी माता बहनों का सार्वजनिक रूप से कोई बलात्कार करेगा, जब तुम्हारी माता बहनों को कोई उठा करके ले जाएगा, तब पुलिस के शरण में जाना नहीं, अहिंसा की बातें करना। जब आपके परिवार पर कोई चाकू छुरे गर्दन पर आपके रखने के बाद आपकी हत्या करने का प्रयास करेगा, तब आप जिनवाणी, वेद, उपनिषद, रामायण, भगवद्गीता, इनको उठाकर पाठ पढ़ना, शांति की बात उसे बताना। ये कायरों का धर्म नहीं, कायरों का कार्य नहीं। जो वीर योद्धा है आज की इस भूमि पर, अत्यंतिक आवश्यकता इस शस्त्र की, जो मेरे धर्म, मेरे देश, मेरे देव, मेरे साधु, मेरे यति, मेरा परिवार और मेरा संप्रदाय के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके लिए यह तलवार उसके सर को उसके धड़ से अवश्य अलग कर देगी। मैं आप सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा, अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आपके अंदर हृदय से पवित्र भावना है देश और धर्म के प्रति, तो मेरे साथ खड़े हो जाइए। मैं आप जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आपको आज़ादी तो दिला दी, लेकिन आपने उनका खून भी छीन लिया, लेकिन उनको वो स्थान नहीं दिया। मैं आदरणीय मोदी साहब को उनका समर्थन इसीलिए करता हूँ, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हकदार थे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के, उनका हक छीनने वाली इस कांग्रेस ने, उनका हक छीनने वाले इस नाजायत संप्रदायों ने, इस राजनेताओं ने जिस प्रकार से हनन किया मेरे देश की संस्कृति सभ्यता का और राजनीति को एक पाखंड बना करके रख दिया, उन सभी को सबक सिखाने आ रहा हूं मैं। सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद, बस इतना ही समझिए, धर्म और देश के साथ खड़े रह जाइए। जो देश से गद्दारी करता है, वो चाहे मेरा अपना ही क्यों न हो, उसका सर धड़ से अलग करना आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर मेरे द्वारा देश की अस्मिता पर कलंक लगता है,
तो मुझे भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। जिन्हें मेरी बात से आपत्ति है वो मुझसे मिले, अपनी होशियारी और शेखिया बिल्कुल भी नहीं बघेरे। दिल से सभी को आशीर्वाद। जय पारसनाथ, जय माँ भारती, जय जय श्री राम।